खंडवा जिले के पुनासा विकास खंड की ग्राम पंचायत रोहनी के ग्राम उटड़ी गांव में रहने वाला किसान पदम सिंह चौहान के द्वारा रेशम की खेती की जाती है, जिससे खेती के साथ अन्य आय भी प्राप्त होती है। रेशम की खेती के साथ इस पर सरकार 2 लाख की सब्सिडी भी देती है। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं किसान पदम सिंह चौहान, ग्राम उटड़ी तहसील पुनासा, जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। मैं अपनी खेती के साथ साथ रेशम उत्पादन भी लेता हूँ। मेरे खेत पर 1 एकड़ में शहतूत के पेड़ लगे हैं। यह इनसे जो पत्तियाँ मिलती हैं उन्हें कीड़ों को खिलाई जाती है, जिससे हमें कोकुन प्राप्त होता है। और यह एक फसल लगभग 15,000 से 30,000 तक पैदा होती है। इसकी एक वर्ष में लगभग 5 फसल होती हैं, और 5 फसल का अगर हम 20 का एवरेज लगाते हैं तो 20 से 50 1 लाख अतिरिक्त पैसा मिलता है। मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि खेती के साथ साथ गाय पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या रेशम, कुछ भी साइड बिजनेस होना चाहिए, जिससे हमें अतिरिक्त पैसा मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।